आप सभी का स्वागत है सेंट्रिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। आज हम बात करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर के बारे में। स्पेशली हम आज हम सारी जानकारी लेंगे। जो इस चैनल पर नए लोग आज जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, इस चैनल पर हम जो भी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं वो वर्ल्ड वाइड जो लिटरेचर है, जो रिसर्च है, पब्लिश हो चुकी है, और जो NCBI बहुत ही बड़ी एक रिसर्च साइट है, बहुत ही बड़ी एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऊपर जो पब्लिकेशन हो चुकी हैं किसी भी बीमारी के बारे में, वही हम जानकारी आप तक लेकर आते हैं। अपनी बनाई कोई भी जानकारी नहीं लेकर आते हैं हम इस चैनल पर। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, जो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको दबा लीजिए, और साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी दबा लीजिए, ताकि ऐसी साइंस बेस्ड वीडियोज़ आप तक हर रोज़ पहुँचती रहे, और पूरी साइंस को बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में, आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ इस चैनल पर, ताकि हर एक, अगर कोई 10th पास है, अगर कोई पढ़ा भी नहीं है, उसको भी ये चीज़ें साइंस की समझ आ जाए। तो हर एक वीडियोस के अंदर, हर एक टॉपिक के अंदर हम कुछ सवाल उठाते हैं, चाहे कोई वो होम्योपैथी डॉक्टर से रिलेटेड हो, चाहे आयुर्वेदा डॉक्टर ने वो चीज़ें बताई हो कि ये मेडिसिन खाने से ये हो जाता है, चाहे इंग्लिश डॉक्टर ने बताई हो, तो हर एक के ऊपर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर है, अगर लिवर को हमने डिटॉक्सिफिकेशन करना हो, आपको एक हरे रंग का जूस दिखता होगा हर एक की जगह ऑनलाइन में, हरे रंग का जूस डिटॉक्सिफिकेशन, ये एक दिन में ठीक, 15 दिन में ठीक, बीमारियां जड़ से खत्म, ये हरे रंग का जूस आपको हर एक जगह दिखता होगा। और मैं आपको बताऊंगा ये हरे रंग का जूस है कितना ज़्यादा खतरनाक है, आप इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी ये हरे रंग का जूस नहीं पियोगे। तो हमारे क्वेश्चन है कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑन लिवर है क्या सेफ है, जैसे कि सभी को बताया जाता है कि ये तो टोटली सेफ है, तो इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा कि सेफ नहीं है। ऐसे किसी भी ऑथोराइज सोर्स से जानकारी लिए बिना कोई भी चीज़ लेना सेफ नहीं है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन मार्क है वाई डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर को, अगर इतनी ही बढ़िया डिटॉक्सिफिकेशन की जो हम नॉलेज देखते हैं, ऑनलाइन चेक करते हैं, हमें कोई बताता है, अगर वो इतनी ही बढ़िया डिटॉक्सिफिकेशन लिवर को, हमारे जिगर की बीमारियों को ठीक करती है, तो वही सारी दुनिया ही वो डिटॉक्सिफिकेशन अपना कर आज तक ठीक क्यों नहीं हुई। तो हमारी जो दो क्वेश्चन मार्क हैं वाई और से, कि इतनी बढ़िया है ये हरे रंग का जूस, तो सारी दुनिया ही क्यों नहीं इसको अपना कर ठीक हो जाए। तो इसके पीछे आपको भी पता है कि ऐसा नहीं हुआ है। अगर ये इतना ही बढ़िया होता जो हम बिना जानकर के डिटॉक्सिफिकेशन लेते हैं, तो आज के समय में सारी दुनिया ही रोग मुक्त हो जाती, सारी दुनिया ही ठीक होकर घर पे बैठ जाती, डॉक्टर की किसी को जरूरत ना ही पड़ती। डॉक्टर्स के भी कारण है कि सारी दुनिया क्यों नहीं ठीक हुई है, आपको बताया ही इतना बढ़ा चढ़ा के जाता है कि आप सोचते हो कि बस मैं तो ठीक हो गया। तो इसके हम देखते हैं, सबसे पहले जो लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर आपको बताया जाता है या दिखाया जाता है, वो हरे रंग का जूस है, वो होता क्या है। हरे रंग के जूस से आपको क्या होता है, लूज मोशन लगते हैं, आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, पेट साफ होता है, उसका लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के साथ कोई डायरेक्टली लिंक नहीं होता। और आप वही वाई वाला क्वेश्चन, कितने दिन तक पेट साफ कर डिटॉक्सिफिकेशन करते रहोगे, 1 महीना करोगे, 5 महीने करोगे, या 1 साल वो डिटॉक्सिफिकेशन वाला जूस पीते रहोगे, तो इसका भी जवाब आपको आगे मिल जाएगा। तो अगर पेट ही साफ करना है, हमें हरे रंग के जूस की क्या जरूरत है, कैस्टर ले लेंगे हम, जिसको हम अरंड का तेल बोलते हैं, ये तो 1 चम्मच ही लेना है, बात वही है, 1 चम्मच ही लेना है, इसको हमने पेट साफ हो जाएगा, सही हो जाएगा। पर ये भी कितने दिन तक लेंगे, 5 दिन तक, 15 दिन तक, 20 दिन तक। और लिवर में कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका ट्रीटमेंट 8-8 महीने, 2-2 साल तक चलता है, जैसे फाइब्रोसिस है, लिवर सिरोसिस है, तो इनका ट्रीटमेंट 2-2 साल तक चलता है। तो आप क्या 2 साल तक लूज मोशन लगाते रहेंगे उसको, तब तक तो वो ऊपर पहुंच जाएगा पेशेंट। और क्या है, 10 दिन इसको यूज कर लोगे, अब आप खुद ही बंद कर दोगे, भाई कुछ नहीं हुआ ये डिटॉक्सिफिकेशन वाले जूस से, फिर आपको वही दिक्कतें, कब्ज रहनी, फ्लैचुलेंसी है, पेट का अफारा रहना, एपेटाइट है जो लो, भूख कम हो जानी, एसिडिटी जो तेजाब है फिर से बन जाना, 10 दिन बाद फिर से वो शुरू हो जाएगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन का फ़ायदा क्या हुआ, अगर बंद होती फिर से शुरू हो गया, क्योंकि ये तो होना ही था, क्योंकि मेन डिटॉक्सिफिकेशन और लिवर से ये ग्रीन जूस बहुत ज़्यादा दूर है, उसके आसपास भी नहीं है लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन की। तो ये आपको समझ आ गया होगा, और ये सभी के साथ हो रहा है, जैसे ही वो 10 दिन बाद छोड़ेंगे वही तकलीफें फिर से आना शुरू, 5-10 दिन के बाद
उसके भी आपको आगे आंसर मिल जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका डिटॉक्सिफिकेशन का कुछ नहीं, ये सिर्फ लूज मोशन से पेट की सफाई से जितना फ़ायदा होना होता हो जाता है। लिवर की जो बीमारियां हैं, सिरोसिस है, फाइब्रोसिस है, वो वैसी पड़ी रहती हैं, क्योंकि वो तो दो दो साल तक ट्रीटमेंट उनका चलाना पड़ता है नेचुरली, तब जाकर ठीक हो जाती हैं। अब क्या है, हरे रंग का जूस है मेनली, आपको सभी लोग हैं ये बताते मिलेंगे, धनिया जो हरा धनिया होता है कि ये लेना चाहिए, ये तो मल्टी विटामिन है, सारी बीमारियों की रामबाण दवा है, तोड़ है, ये तो रामबाण नुस्खा मैंने बता दिया। तो मैं आपको बता दूं, ये रामबाण नुस्खा सबसे ज़्यादा खतरनाक है जो बताया जा रहा है, सभी को दिखाया जा रहा है। ये रामबाण नुस्खे के कारण बहुत सारे लोग इम्पोटेंट हो चुके हैं, नापुंसक हो चुके हैं, और फीमेल के अंदर भी, औरतों के अंदर भी बहुत सारी बीमारियाँ आ गई हैं, जिसको हम धनिया को हम कोरिएंडरम सैटिवम भी बोल देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो धनिया के ऊपर इराकी जर्नल ऑफ साइंस की एक 2016 के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जो आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, खासकर धनिया के ऊपर इन्होंने सर्च की थी। तो उसके अंदर उन्होंने क्या पाया है कि जो धनिया है, अगर 6 दिन से ज़्यादा, जो हरे धनिया को, हम हरे धनिया की बात कर रहे हैं, हरे धनिया के बीज की नहीं बात कर रहे हैं, उनके किसी एक्सट्रैक्ट की, हरे धनिया को अगर 6 दिन से हम ज़्यादा ले लेते हैं तो टेस्टोस्टेरोन है मेल के अंदर, आदमी के अंदर लो होना शुरू हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन लो हो जाएगा तो सेक्स करने की इच्छा उनकी चली जाएगी, डिज़ायर उनकी लॉस हो जाएगी, मन नहीं करेगा उनका, और इम्पोटेंसी नपुंसकता जैसे लक्षण आने लग जाएंगे। इसी तरह प्रोजेस्टेरोन है, ये एक तरह का फीमेल हार्मोन है जो औरतों के अंदर होता है, प्रोजेस्टेरोन औरतों के अंदर ये हार्मोन कम हो जाता है अगर 6 दिन से ज़्यादा लेंगे, तो इससे क्या होगा, उनको माहवारी की दिक्कत आने लग जाएगी, अंडा कम बनने लग जाएगा, अंडा नॉर्मल नहीं मिलेगा, फिर प्रेगनेंसी में दिक्कत आ जाएगी, माहवारी पहले या लेट आने लग जाएगी, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। मेल के अंदर स्पर्म मोटिलिटी, जो वीर्य की बच्चे पैदा करने की समर्थता है, उसके लिए वीर्य को बहुत ज़्यादा फास्ट होना पड़ता है, जिसको मोटिलिटी बोलते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप के ऊपर वीर्य को देखते हैं, वो दौड़ते नजर आते हैं, जो शुक्राणु हैं, तो शुक्राणु की ये दौड़ने की जो समर्थता है उसको कम कर देता है ये धनिया। और अगर हम लंबा समय लेते रहते हैं, 1 महीने से ऊपर, ये हरे रंग का जूस धनिए वाला, तो उससे क्या होता है, टेस्टिस के अंदर जर्म सेल डीजनरेशन हो जाती है। टेस्टिस मतलब कि जो अंडकोश होते हैं मेल के अंदर, उनकी जर्म सेल डीजनरेशन होती है। जर्म सेल है एक तरह की फैक्ट्री है, एक तरह की मशीन है, जो वीर्य को बनाती है, शुक्राणुओं को बनाती है, ये फैक्ट्री को ही डीजनरेट खराब कर देता है, ये हरे रंग का जो आप जूस देखते हो धनिए वाला। और उससे क्या होता है, इम्पोटेंसी बाद में, नापुंसकता आ जाती है। अगर औरतें भी लेती रहती है तो उनके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की डिसबैलेंस हो जाती है। अब क्या है, तो ये तो आपके इराकी जनरल साइंस के अंदर जो हम पब्लिश हुआ था आर्टिकल, उसकी आपको जानकारी दी। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, मैं मुझे अगर समझ लगेगा तो नीचे लिंक भी गूगल का वो दे दूंगा आपको, नहीं तो आप सर्च करेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन ये मिल जाएगी। अब बात कर लें, ये तो आपने देख लिया जो हरे रंग का जूस दिखाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कहीं डॉक्टरों की चाल तो नहीं है नापुंसक आपको बनाने में, तो वो आप अपना दिमाग खुद लगाएं कि है या नहीं है, कितना डॉक्टर का रोल होता है जो आपको बताया जाता है या दिखाया जाता है, जहाँ उन्होंने रिसर्च ही नहीं पढ़ी है, कोई रिसर्च तक वो पहुँचे ही नहीं है, कहीं से सुनकर उन्होंने आपको बता दिया है, वो तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। अभी क्या है, जिसको हम डिटॉक्सिकेशन ऑफ लिवर के लिए यूज करते हैं, NCBI के अंदर जो 3 से 5 उन्होंने मेन रिसर्च की है प्लांट बेस्ड मटेरियल के ऊपर जो पौधों से मिलता है, वो बताया उन्होंने सिली मैरिन प्लांट, ये एशिया में सारी जगह पे मिलता है, ये पहाड़ी इलाके में मिलता है और यूरोप में भी मिलता है। तो सिली मैरिन प्लांट है, ये बहुत ही बढ़िया डिटॉक्सिफिकेशन करता है लिवर की, पर इसकी डोज भी डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि कितना लेना चाहिए। जो आप खुद से ले सकते हो वो ज़्यादा सेफ है, ग्लिसराइजा, जिसको हम मलट्ठी बोल देते हैं, पर मलट्ठी है जिनको हेमोरेज टेंडेंसी है, जिनके खून चलता रहता है फेफड़ों से या कान से या नाक से या मुंह से या गुदा द्वार से या कहीं और भी जगह से, पेशाब की नली से, कहीं से भी खून चलता रहता है, हीमोरेज टेंडेंसी है, उनको ग्लिसराइजा मलट्ठी नहीं लेनी चाहिए। जिनको ये नहीं है ऐसी खून चलने वाली बीमारी, जैसे कि किसी को कैंसर है जिसके अंदर एक बार
ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो वो रुकती नहीं है, खून चलना बंद ही नहीं होता, तो ऐसा उनको नहीं लेना चाहिए। इसीलिए मैं बताता हूँ, ये जानलेवा भी बहुत है डिसऑक्सीफिकेशन, और फ़ायदेमंद भी बहुत है। तो अगर ऐसी खून चलने वाली किसी को कोई बीमारी नहीं है तो ग्लिसराइजा ले सकता है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। कुरकुमीन है, हल्दी है, ये सभी के लिए सेफ है, छोटे से लेके बड़े तक। आप उसकी उम्र के हिसाब से डोज बढ़ा सकते हो, कम से कम डोज से शुरू करना चाहिए, जैसे 2 मिलीग्राम से, 3 मिलीग्राम से फिर डोज बढ़ाते जाना चाहिए। ऐसे लगातार 6 6 7 7 महीने तक लेंगे अभी, तब डिटॉक्सिफिकेशन होगी लीवर की। तो अब चलते हैं लीवर के कौन सी बीमारियों को ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, जैसे कि सरोसिस है, किसी को सरोसिस हो जाए उसको डिटॉक्सिफिकेशन करती हैं ये तीनों चीज़ों। फाइब्रोसिस है, लीवर के अंदर बहुत सख्तपना आ जाता है, फाइब्रोस्कैन भी कराते हैं उसको ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। फैटी लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन करता है ये। हेपेटाइटिस बी और सी के जो साइड इफेक्ट होते हैं लीवर के ऊपर, उनको भी ये नॉर्मली करता है। हेपेटाइटिस बी को नेक्टोनी कर देता है, या हेपेटाइटिस सी को नेक्टोनी करता है। हेपेटाइटिस बी और सी से जो लीवर को नुकसान पहुंचता है, आगे चलकर सिरोसिस और फाइब्रोसिस हो जाता है, उसको ये बचाता है। अल्यूमिनियम इंड्यूस्ड इंजरी है, ज़्यादातर जो अल्यूमिनियम के बर्तन यूज करते हैं ये उसकी भी पॉइजनिंग को लीवर में कम करते हैं। अल्कोहल इंड्यूस्ड इंजरी है, जो शराब पीने के कारण लीवर को नुकसान हुआ है उसको भी ये कम करते हैं। ये डोज इनकी 1 या 2 मिलीग्राम से कम से शुरू करनी चाहिए ताकि आपको साइड इफेक्ट ना हो। अब बात आ गई है यहाँ पे, कभी कभी क्या होता है, आपने सिलीमैरिन प्लांट भी ले लिया, ग्लिसराइजा भी ले लिया, कुरकुमिन हल्दी भी ले ली, कोई फायदा नहीं हुआ डिटॉक्सिफिकेशन का। आपके साथ, कई लोगों के साथ ये हो जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन का कोई भी फायदा नहीं होता उनको, डिटॉक्सिफिकेशन का उनको फायदा ही नहीं हो रहा। अब उसका क्या कारण है, क्योंकि उन्होंने अपना कोई टेस्ट नहीं करवाया। जैसे कि उनको फैटी लिवर है, डिटॉक्सिफिकेशन वो ले रहे हैं पर उनको कोई फायदा नहीं हो रहा। अब दिक्कत क्या है, अकेला कभी कभी कुरकुमिन मलट्ठी या सिलीमैरिन प्लांट लेने से फ़ायदा नहीं हो रहा, आप ले रहे हो, आपके साथ कईयों के साथ ऐसा होता है। उसके पीछे ये होता है कि फैटी लीवर है, इसके पीछे होने के भी 10 से ज़्यादा बीमारियां हैं, उन बीमारियों का भी ट्रीटमेंट उन्होंने साथ में लेना शुरू नहीं किया। फाइब्रोसिस होने के पीछे भी 15 से ऊपर बीमारियां हैं, उन बीमारियों की उन्होंने जानकारी नहीं ली, या उनका भी इलाज शुरू साथ में नहीं किया है। सरोसिस भी 15 से ऊपर बीमारियों में हो जाता है, जैसे कि उसको पेन किलर खाने की आदत है, गठिया के गठिया है, उसको एलर्जी है, उसको एलर्जी के बाद उसको स्टीरॉयड है, या ऐसा कुछ भी खा रहा है, तो कॉन्स्टेंटली वो क्या कर रहा है, लीवर को खराब कर रहा है, ऊपर से डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है। तो इसलिए इन दिक्कतों में डिटॉक्सिफिकेशन काम तो कर रही है, पर लीवर को आप उतना ही शाम तक बीमार करते हो जितना डिटॉक्सिफिकेशन कर देते हो। तो इनका भी आपको ट्रीटमेंट साथ में ले लेना चाहिए। जैसे फैटी लीवर है, 10 से ऊपर बीमारियों के कारण हो जाता है, तो जैसे स्ट्रेस से फैटी लीवर हो जाता है, आप बैठे हो स्ट्रेस में, सोच रहे हो डिटॉक्सिफिकेशन जूस लेकर आप इन तीनों का ठीक हो जाओगे, तो नहीं हो जाओगे। स्ट्रेस के लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इसलिए कई लोग डिटॉक्सिफिकेशन वाला जूस सारा घर पे ला के फेंक देते हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपनी साथ में बीमारियों का ट्रीटमेंट लेना नहीं शुरू किया है। तो ऐसे आप सेफ रहिए, हमेशा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के ऊपर ही चलें, ऐसे कहीं से भी सुनकर, जैसे कोरिएंडर सैटिवम, जैसे धनिया का जूस का मैंने आपको साइड इफेक्ट बताया कि कैसे मेल के अंदर नपुंसकता आ जाती है, मर्दों के अंदर, औरतों के अंदर भी, चाहे उनकी उम्र 14 साल से जब पीरियड शुरू हो जाते हैं महिलाओं में, तो उनके अंदर भी दिक्कत आ जाती है। बच्चे पैदा करने के लिए जो अंडा नॉर्मली होता है वो बनना बंद हो जाता है, उसके अंदर डिफेक्ट आ जाते हैं। तो ये सारी रिसर्च बेस्ड हैं जो आप ऑनलाइन भी जाकर चेक कर सकते हो। तो अगर सेफ तरीके से करना है, आपको ऐसी कोई खास बीमारियां नहीं है, तो ये तीनों बहुत सेफ हैं। इनका भी मैंने आपको बता दिया है कब कब लेना है, कब कब नहीं लेना है। 1 2 मिलीग्राम से डोज शुरू करें और जहाँ तक आपकी बॉडी कैपेसिटी है वहाँ तक चलें। अगर इनसे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जब आप कोई भी दुनिया की डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हो, पेट के लिए, चमड़ी के लिए, आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा,
तो उसके पीछे और बीमारियों को खोजें, ताकि आप कुछ ऐसा तो नहीं खा रहे जो शाम तक आपके डिटॉक्सिफिकेशन को जितना हुआ था उतना लीवर को फिर से बीमार कर दे, या जितनी आपने आंतों की डिटॉक्सिफिकेशन की थी आपने ऐसा कुछ खा लिया है वो आंतड़ियों को उतना शाम तक फिर से बीमार कर दिया, तो साफ बराबर चलता रहेगा, कभी डिटॉक्सिफिकेशन हो ही नहीं पाओगे। ज़्यादातर 70% के साथ यही होता है, वो लेते रहते हैं, जैसे ही छोड़ते हैं फिर से वही बीमारी हो जाती है, सभी के साथ यही हो रहा है। तो होप है आपको वाई का कारण समझ आ गया होगा। अगर डिटॉक्सिफिकेशन किसी भी चीज़ के लिए करते हैं तो सारी दुनिया ही क्यों नहीं बीमारी मुक्त होगी, उसके पीछे आपको कारणों का पता लग गया। अगर फैटी लीवर के लिए जो डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हो, अगर फैटी लीवर फिर भी नहीं ठीक हुआ, इसका मतलब कोई ना कोई और बीमारी है जिसकी वजह से फैटी लीवर हो रखा है, उसके भी ट्रीटमेंट की साथ में आपको ज़रूरत है। तो सेफ है, हाँ सेफ है, जब तक आपको जानकारी पूरी नहीं मिलती। जैसे कि आप अगर धनिए वाला हरे वाला जूस पीते रहोगे तो भाई नपुंसकता श्योर है आएगी आएगी, जो रिसर्च भी मैंने आपको दिखा दी है। तो सेफ है भी नहीं भी आपकी नॉलेज के ऊपर ये डिपेंड है। अगर ऐसी साइंस बेस्ड जो हम बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको समझाते हैं हिंदी में आपको अच्छी लगती है, मेरे चैनल पर जाएं, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है इसको दबाकर सब्सक्राइब कर लें, मुझे बेल के आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो साइंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड हैं, जैसे थायराइड के ऊपर, जैसे एलर्जी के ऊपर, पेट की बीमारियों के ऊपर, लिवर की बीमारियों के ऊपर, इम्पोटेंसी के ऊपर, नापुंसकता के ऊपर, चेहरे की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है, फिंसियों के ऊपर बहुत सारी मेडिसिन उसने ट्राई कर ली ठीक नहीं हुई है, और उसके बाद कैंसर के ऊपर, कोई भी तरह का कैंसर हो सभी के ऊपर मेरी वीडियोज़ हैं, गठिया है किसी को, अस्थमा है, बच्चों की बीमारियां, बड़ों की बीमारियां, हार्ट के वाल्व किसी के बच्चे के या बड़े के ख़राब हो गए हैं, या दिल की ऐसी कोई बीमारी है जिसके अंदर उसका ऑपरेशन हो रहा है, कैसे हम बिना ऑपरेशन को उसको ठीक कर सकते हैं, कितना ठीक कर सकते हैं, या घुटने या कमर के मनके वगैरह का बिना ऑपरेशन हम कैसे इलाज कर सकते हैं, वो सारी वीडियोज़ लगभग जो भी आपके दिमाग में बीमारियाँ हैं पेट की, छाती की, जोड़ों की, सभी के ऊपर मेरी ऐसी साइंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड वीडियोस हैं, और उनके सल्यूशन भी बताए गए हैं और ट्रीटमेंट करने का तरीका भी बताया गया है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसी साइंस बेस्ड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी हर रोज़। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और हमेशा जो हम इस चैनल पर हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो ऐसे ही आपको रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ ही मिल पाएगी, फैक्ट बेस्ड वीडियोज़ ही आपको मिलेगी। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो साइंस बेस्ड है आप तक कभी नहीं जानकारी पहुंच पाएगी, आप वही धनिया वाला जूस पीते रह जाओगे और बाद में इम्पोटेंस हो जाओगे, वही डॉक्टर जो आपको ग्रीन जूस बताया था किसी ने पीने के लिए, जहाँ आपने कहीं से सुना था, वही लोग आपको नापुंसकता को दूर करने के लिए दवाइयाँ बताते मिलेंगे कि आप इसी चक्कर में पड़े रहोगे। तो वही कहीं से भी आपने वो ग्रीन जूस सुना था, या धनिए वाला एक दिन वाला डिटॉक्सिफिकेशन वाली कुछ सुना था या देखा था, वही आपको फिर से सेक्स को तगड़ा करने के लिए दवाइयां बताते मिलेंगे, फिर आप वो खाओगे, फिर उनके साइड इफ़ेक्ट करोगे, तो आप डिप्रेशन हो जाएगी, कईयों की हो भी चुकी है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए